नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदौर और इंदौर के आसपास की घूमने लायक जगहों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम इंदौर में घूमने लायक इंदौर की सबसे फेमस 10 जगहों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमने हमारे चैनल में इंदौर में घूमने लायक जगहों के बारे में एक और वीडियो अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है बीजासन माता मंदिर। फ्रेंड्स, हजार साल पुराने इस मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। इस मंदिर में 9 देवियों की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर का निर्माण इंदौर के महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। कहते हैं कि शादी में किसी भी तरह की रुकावटें आ रही है या संतान नहीं हो रही तो इस मंदिर के दर्शन करने पर वो इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है राजवाड़ा पैलेस। फ्रेंड्स, भले ही यह जगह 3 बार जल गई हो, लेकिन राजवाड़ा एक ऐसे शहर की गवाही देता है जो अपने समय में बहुत समृद्ध था। यह चरसना अपने निर्माण में बहुत ही भव्य है और होलकर राजवंश द्वारा बनाए गए प्रभाव को उजागर करती है। यह जगह बगीचों और बहते फव्वारों से भरी हुई है। तीसरे नंबर पे आता है अन्नपूर्णा मंदिर। फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक जगह होने के अलावा पर्यटकों के आकर्षण का भी मुख्य केंद्र है। देवी अन्नपूर्णा को समर्पित मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान हनुमान और काल भैरव के मंदिर भी शामिल है। मंदिर का प्रवेश द्वार हाथियों की 4 मूर्तियों से सुशोभित है और मंदिर का स्थापत्य वैभव इसे सभी पर्यटकों के लिए जरूरी स्थान बनाता है। चौथे नंबर पे आता है जाम गेट। फ्रेंड्स, जाम गेट इंदौर के लोगों से यदि आप पूछे कि उनके लिए इंडिया गेट जैसी दिखने वाली जगह कौन सी है, तो वो यकीनन जाम गेट का नाम ही बोलेंगे। ये जगह भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगती। देखने में इसका स्ट्रक्चर एकदम इंडिया गेट जैसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इस जगह को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पांचवें नंबर पे आता है अहिल्या किला। फ्रेंड्स, अहिल्या किला दुनिया के चोर से दूर महेश्वर में अहिल्या किला उन परिवारों के लिए पसंदीदा पिकनिक स्थलों में से एक है, जो इतिहास और नर्मदा नदी के ठीक बगल में एक दिन बिताना चाहते हैं। महेश्वर शहर 4000 साल पुराना है, जो आपको उस युग में वापस ले जाता है जब रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस स्थान पर शासन किया था। किला सुरम्य घाटों या नदी की सीढ़ियों के बगल में स्थित है, जो पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ एक शानदार जगह प्रदान करता है। किले को एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। छठे नंबर पे आता है जहाज महल। फ्रेंड्स, जहाज महल इंदौर के नज़दीक सबसे आकर्षण जगहों में से एक है। मध्य प्रदेश के मांडू क्षेत्र में स्थित यह खूबसूरत महल 15वीं शताब्दी में मांडू के तत्कालीन शासक ग्यास उद्दीन खिलजी की 15,000 पत्नियों को ठहराने के उद्देश्य से बनवाया गया था। शानदार पुल और सजावटी फर्श और दीवारों से घिरा यह विशाल महल देखने में बेहद खूबसूरत है। यदि आप इंदौर के नज़दीक एक दिन की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस आकर्षण जगह को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं, जो इतिहास से भरपूर है। सातवें नंबर पे आता है मोहाड़ी वाटरफॉल्स। फ्रेंड्स, ऊंचाई से गिरते पानी का मनोकह दृश्य हमेशा ही रोमांचकारी होता है
और मोहाड़ी झरना एक आदर्श स्थान है जहां आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। आसानी से पहुंचा जा सकता है यहां। यह झरना इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप अपनी जीवन की निरसता से छुट्टी की तलाश में है और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो यह एक आदर्श पिकनिक स्थल है। आठवें नंबर पे आता है जानापाव। फ्रेंड्स, यह इंदौर मुंबई राजमार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जानापाव कुटी एक पहाड़ है जो उस क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं या पिकनिक मनाने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। दिवाली के आसपास यहां हर साल एक बड़ा मेला भी लगता है जिसे अवश्य देखना चाहिए। मालवा पठार का सबसे ऊंचा स्थान बरसात के मौसम में यह एक खूबसूरत जगह बन जाती है। नौवें नंबर पे आता है कमला नेहरू पार्क। फ्रेंड्स, किसी प्राणी उद्यान में एक अच्छा पिकनिक स्पॉट ढूंढना निसंदेह रोमांचक है और यदि विचाराधीन जगह कमला नेहरू पार्क है जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन से भरपूर अवसर के साथ यह आराम करने और घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां बग्गी राइड, हाथी की सवारी, टट्टू की सवारी, ऊंट की सवारी जैसे कई विकल्प है। आप कई तरह के पक्षियों और जानवरों के झलक भी देख सकते हैं और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। पार्क के चारों ओर घूमने वाले टॉय ट्रेन पार्क में एक जरूरी गतिविधि है। दसवें नंबर पे आता है जटाशंकर तीर्थ। फ्रेंड्स, जटाशंकर तीर्थ देवास जिले के बागली में स्थित है। जटाशंकर तीर्थ प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। तीर्थ के विशेषता भगवान जटाशंकर का अखंड जल अभिषेक करने वाली जलधारा है जिसका स्रोत पता लगाने में विशेषज्ञ भी असफल रहे हैं। यह बहुत ही ठंडा स्थान है। इंदौर से करीब 70 किलोमीटर दूर यहां पर आप अपने साधन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इंदौर और इंदौर के आसपास की घूमने लायक 10 जगह जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।